हेलो स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है LICL, NaCl, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड में सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किस में होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन Li पे प्लस वन है, इन सभी केटायन पे प्लस वन चार्ज है। तो आपको इसे पता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज, इस पे डिपेंड करता है। देन लिथियम का साइज छोटा है, चार्ज ज़्यादा है, इसलिए डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है वो सबसे ज़्यादा लिथियम की होगी। इस वजह से लिथियम क्लोराइड जो होता है इस फॉर्म में यूज़ करता है .2H2। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, ये पता है आपको कि जो सब्सटेंस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है उसे डेली क्विसेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोडियम मेटल लिया तो Na प्लस लिक्विड अमोनिया क्या बनता है इसमें, अवेयर हो इसे आप लोग, NaNH3 का होल एक्स पॉजिटिव चार्ज प्लस NH3 वाई एन इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन होती कैसे, सोडियम लिक्विड अमोनिया में एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन 281 28। और जैसा कि आपको पता है कि अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल वेक्टर है टुवर्ड्स अमोनिया और ये डाइपोल वेक्टर टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल को एक डाइपोल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो देखो, हमने इस अमोनिया को टोटल ले लिया एक्स प्लस वाई, तो एक्स अमोनिया मॉलिक्यूल सोडियम प्लस के साथ अपोजिट डाइपोल बना के इंटरेक्ट करेंगे और वाई अमोनिया मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ नेगेटिव डाइपोल में आ जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव डाइपोल में। और इसीलिए एक्स अमोनिया मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह बना लेते हैं मॉलिक्यूल और सोडियम के साथ इस तरह बना लिया, इसलिए ये रिएक्शन इस तरह होती है। इस और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने की वजह से जो सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, सोल्यूशन जो है वो पैरामैग्नेटिक है एंड एक्वायर ब्लू कलर एक्वायर कर लेता है। ओके, और अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने कहा है कि कलर आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड फिर कलर आ जाता है। अच्छा, आफ्टर स्टैंडिंग सम टाइम जो NaNH3 है का होल एक्स प्लस ये कन्वर्ट हो जाता है NaNH2 प्लस H2 गैस में, राइट। इसका नाम है सोडियम अमाइड। ये रिएक्शन कैसे हो जाती है, इसको समझने के लिए आप ये समझो कि जो NH3 है और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ H प्लस,
सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाकर इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, तो ये H बन जाएगा जिसको मैंने हाफ H2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा है NH2 माइनस, जो कि Na प्लस से क्या बना लेगा NH2, लेकिन एक कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाता है। ओके एंड एक बात और है इसमें कि जब अमोनिया का कंसंट्रेशन 3 मोलर होता है, 3 मोलर लिक्विड अमोनिया लेते हैं, तो जो सोल्यूशन होता है वो कॉपर ब्रॉन्जे कलर शो करता है, ठीक है, बट एंड सोल्यूशन जो होता है वो डायमैग्नेटिक हो जाता है, डायमैग्नेटिक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाई कंसंट्रेशन पे मेटल आयन ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म क्लस्टर, इसी की वजह से उसे मेटालिक क्लस्टर भी बोलते हैं, क्लस्टर प्रॉपर्टी से वजह से आती है, और मेटल क्लस्टर है तो इसमें जो इस तरह अपोजिट स्पिन में इकट्ठा हो जाते हैं तो एक का स्पिन दूसरे से कैंसिल कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन है, मेटल आयन क्लस्टर हैं, तो सॉल्यूशन जो होता है वो डायमेटिक कलर का हो जाता है। ओके नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउ मेटल रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। ओके सो मेटल प्लस HOH क्या बनेगा, MOH प्लस H2 हाफ H2 गैस, अगर ये M जो है ये ग्रुप 1 को बिलोंग कर रहा है, तो ग्रुप 2 होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड का होल्ड, इसका MOH का होल्ड हो जाएगा, कैसी रिएक्शन होगी फर्दर, मेटल मेटल प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स, अब ये डेल्टा प्लस है बच्चों, ये डेल्टा माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन जाके एच प्लस से जुड़ेगा, तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इसको मैंने एच लिख दिया, फिर इसको हाफ एच टू लिख दिया, और जो OH आयन है वो एम प्लस आयन से क्या बना लेगा, MOH मेटल हाइड्रोक्साइड। अब इसमें फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लिथियम है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम से NaOH बनेगा, KOH बनेगा और CHOH बनेगा, इसमें पूछ रहा हूँ बेसिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का, तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, टेंडेंसी टू लूज OH माइनस आयन, तो सीजियम का साइज बड़ा है तो इसका बिग साइज है, ठीक है, तो बिग साइज के होने की वजह से लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगी। ओके और इसी वजह से ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, तो इसकी टेंडेंसी टू गिव OHN बढ़ जाएगी, तो इट विल बी स्ट्रॉन्गर बेस। तो बेसिक करेक्टर जो है मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, एंड बेसिक करेक्टर जो है डाउन टू द ग्रुप बढ़ता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी नीचे जो है बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। ओके एंड यू नो दैट कि ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है ये एम्फोटेरिक मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, रिमेंबर 10th क्लास में था कि अगर जिंक की रिएक्शन में कराऊं NaOH से तो क्या बनता था, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 गैस, राइट, ये इसका एम्फोटेरिक नेचर की वजह से। एंड कैसे रिएक्शन होती है, आप इसको इसका ऑक्साइड ले लो Na2O एंड फिर जाके इसमें ऐड कर दो, तो Na2 आपको इसको इसी तरह लर्न करना पड़ेगा, ये अगर एल्युमिनियम है तो NaOH NaAlO2, ये सब रिएक्शन 10th के बच्चों, H2 गैस, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं 3H2, और एक और 13 प्लस NaOH क्या बनता था इसमें, Na2SnO2 प्लस H2 गैस। तो
तो ये जो बेस हैं ये एम्फोटेरिक मेटल से रिएक्ट करते हैं इस तरीके से एंड हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम एस्टेनेट, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। लिथियम प्लस ओ टू, सोडियम प्लस ओ टू, पोटेशियम प्लस ओ टू। लिथियम क्या फॉर्म करता है? लिथियम जनरली प्रेफर टू फॉर्म ऑक्साइड, सोडियम प्रेफर टू फॉर्म परऑक्साइड एंड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। एंड यू नो ओ टू माइनस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। ओ टू टू माइनस को क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। एंड ओ टू माइनस को क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड, राइट। ऐसा क्यों बनता है? लिथियम ऑक्साइड क्यों बनाना चाह रहा है? सोडियम परऑक्साइड पे खुश है और सोडियम पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसके लिए आप समझो कि जो लिथियम प्लस सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस में किस में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है? लिथियम का साइज छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी से कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। अंडरस्टूड? कम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाला मेटल आयन कम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाले एनायन से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा चार्ज डेंसिटी रेशियो की वजह से। इसी वजह से पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड स्टेबल है, लिथियम का ऑक्साइड स्टेबल है। मतलब चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है, और यहाँ पर देखो पर ऑक्सीजन दो नेगेटिव है, पर ऑक्सीजन एक नेगेटिव है, पर ऑक्सीजन हाफ नेगेटिव है। तो चार्ज डेंसिटी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी घट रही है, पॉजिटिव डेंसिटी घट रही है। हाई पॉजिटिव चार्ज हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी से, लो पॉजिटिव चार्ज लो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी से कंबाइन कर रहा है। इस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि Li2O, Na2O, K2O एंड CH2O में स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड क्या है? तो सबसे स्टेबल कौन होगा? Li2O, क्योंकि हाई पॉजिटिव डेंसिटी हाई नेगेटिव डेंसिटी कंबाइन कर रहा है। और तो इसका आंसर हम लैटिस एनर्जी से भी दे सकते हैं, बट हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है, अगर मैं Li2O2 लिखूं, Na2O2, K2O2 एंड CgmO2, परऑक्साइड में स्टेबिलिटी क्या ऑर्डर होगा? तो आपको पता है कि डाउन टू द ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घटती है, तो लेस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाले ऑक्सीजन से स्टेबल कंपाउंड बनेगा, तो परऑक्साइड की स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप ऐसे बढ़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है, गेटिंग? ओके, नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं? देखो सिंपल से, अगर मैं लिथियम ऑक्साइड ले लूँ प्लस वाटर, तो ये बनाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड ओनली, LiOH। लेकिन मैं अगर Na2O2 लूँ सोडियम परऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये बनाता है हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2। और बच्चों इसको समझ कैसे सकते हैं? देखो Na2O2 ले सकते हो आप NaO और Na, दिस इज सोडियम परऑक्साइड, ओके। एंड परऑक्साइड की पहचान भी है, दो ऑक्सीजन आपस में इस तरह जुड़े होते हैं, सोडियम पे प्लस होगा, हाईली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, प्लस है या माइनस रख सकता हूँ मैं,
तो अगर इसको आप वाटर में लेके जाओगे तो आप बताओ मुझे Na प्लस से क्या जुड़ेगा वाटर का, OH आयन, दो वाटर ले लिए हमने राइट, OH आयन जुड़ेगा, OH आयन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 2NaOH, एंड इससे क्या जुड़ेगा वाटर का H, तो मैंने ऐसे तोड़ दिया इसको, इधर OH दे दिया, इसको तोड़ दिया, इधर OH दे दिया, और इन दो तरफ क्या दे दिया HS, तो क्या बन गया देखो H2O2 और ये क्या बन गया 2NaOH। इस तरह आप सिंपल इसको समझ सकते हो। एंड अगेन देखो, अगर मैं सुपर ऑक्साइड की बात करूं, O2 माइनस, ये कैसे वाटर शेड करेगा, तो ये क्या करता है डिसप्रोपोर्शनेशन, इसकी माइनस वन स्टेट, ना तो ये लोअर है और ना तो हाईएस्ट है, और बताया था क्लास में मैंने कि ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट अगर नीदर हाईएस्ट हो ना लोवेस्ट हो तो डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन में ये इससे लोअर में जाएगा यानी कि O2 माइनस, और इससे हायर में जाएगा यानी O2। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, आपने इसको हो सकता है NCERT से लर्न किया हो, बट आप इसको समझ सकते हो O2 माइनस राइट। एग्जाम्पल समझेंगे। अच्छा, हाइड्रोक्साइड तो बनना ही बनना है, तो कैसे मैं इसको KO2 ले लेता हूँ, ठीक है OH। देखो, पोटेशियम अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में ये दोनों बनेंगे K2O2 और प्लस KO2। KO2 प्लस वाटर, देन वी विल गेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड प्लस क्या बनता है देखो O2 माइनस, किसकी, परोक्साइड यानी कि H2O2, और इस परोक्साइड में क्या देना है वाटर से 2H, और O2 तो फ्री रहेगा, ये बन गया हाइड्रोक्साइड परोक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जब केवल ऑक्साइड होगा तो यू विल गेट हाइड्रोक्साइड, परोक्साइड होगा तो यू विल गेट हाइड्रोक्साइड प्लस परोक्साइड, सुपर ऑक्साइड होगा तो हाइड्रोक्साइड परोक्साइड एंड ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सब IIT में आ भी चुके हैं, और लिक्विड अमोनिया की जो मैंने बात की थी वो उसका भी IIT एडवांस क्वेश्चन आ चुका है ना। मैं कुछ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट उसमें बताता हूँ।